ये ऊपर वाला बेड मैंने लिया है, ये है 6-bed डॉर्मेट्री। ये रूम है भाई, देख लो ये बेड है, सामने बिल्कुल आपको पूरी वैली दिखेगी। इसके अंदर आपको बाथ टब भी मिलेगा, देख लो कितना बड़ा कॉमन एरिया है। हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूँ अभी बीर बिलिंग में, मतलब बीर के अंदर हूँ अभी। और मैं जिस होटल में और जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ, इसका नाम है बाटी होम बीर। अभी मैं आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ, हॉस्टल भी बोल सकते हो, होटल भी बोल सकते हो। और बहुत प्यारी जगह पर है ये, बीर जैसी जगह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी भाई। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बीर में, लेकिन अमेजिंग प्लेस है भाई, क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी खतरनाक जगह मैंने आज तक नहीं देखी। तो भाई ये हमारा रूम है, कारपेट बिछे हुए हैं, आराम से आप नंगे पैर घूम सकते हो यहाँ, ठीक है। ये ऊपर वाला बेड मैंने लिया है और बिल्कुल कंफर्टेबल बेड है, कोई ऐसी बात नहीं है, सेम सबके ऐसे हैं यहाँ पर। ये देख लो ऐसे बेड है, नीचे ये दे रखा है ना, इसको बोलते हैं लोकर। ये होते हैं लोकर, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे कपड़े रखने के लिए, इसको कहते हैं लोकर। सो ये लोकर है, और ये हमारे डॉर्मेट्री के बंक बेड बोलते हैं इन्हें, ये बंक बेड है। ये है 6-bed डॉर्मेट्री और बहुत प्यारी है। इधर मैं फैसिलिटी दिखा देता हूँ क्या क्या है। पानी तो रखा है, एक ये छोटी सी अलमीरा है और शीशा लगा हुआ है इसमें, इसमें आप अपना सामान रख सकते हो। और वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई ये वॉशरूम है, बहुत प्यारा वॉशरूम है। गर्म पानी की भी सुविधा है यहाँ पर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो ये पूरा वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा बड़ा है यार, और बहुत सही है, मतलब सही है यार, कहाँ मिलता है इतने सही सही वॉशरूम, है ना। अटैच है ये आपकी डॉर्मेट्री के अंदर। और इससे बाहर दिखा देते हैं, जब अपन इससे बाहर जाते हैं ना, तो व्यू देखो कितना प्यारा आता है। ये देखो भाई ये है बीर, देख लो कितना प्यारा लग रहा है बीर, है ना, अमेजिंग प्लेस है भाई। और दिन में भी आपको दिखाऊंगा, दिन में जो यहाँ रोशनी पड़ती है, धूप आती है, तो और भी अलग ही नज़ारा आता है। ये बीर है, और यहाँ जो पैराग्लाइडिंग होती है ना, वर्ल्ड की 2nd highest पैराग्लाइडिंग होती है। तो मतलब आओ यार, 2-3 हज़ार में क्या फ़र्क पड़ता है। और पैराग्लाइडिंग का भी आप यहाँ अपना मज़ा ले सकते हो, पैराग्लाइडिंग आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ पैराग्लाइडिंग ही करने आते हैं। और कल हम भी करेंगे और पैराग्लाइडिंग की वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कितने में हमें पैराग्लाइडिंग पड़ी है। और अभी आगे का दिखा देता हूँ आपको, और तो इधर से दिखा देता हूँ। ये हमारा बाटी होम है जहाँ पर मैं रुका हूँ, इधर पार्किंग भी है, आप आना चाहो तो आप अपनी कार वगैरह भी इधर खड़ी कर सकते हो, पार्किंग की पूरी सुविधा है। इधर हम नीचे वाले फ्लोर पर बैठते हैं, ये भी अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा। हमारा डाकू बैठा इधर अभी, ये बैठा। सो ये बीर बिलिंग है, ये दिल्ली से पड़ता है 489-490 के समथिंग पड़ता है, मतलब अगर आप वोल्वो से आते हो तो। ये छोटे वाला रूट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वही 490 के आसपास यहाँ दिल्ली से बीर बिलिंग पड़ता है आपका, तो आप आराम से आ सकते हो। और ये पालमपुर का नेबरहुड है, नेबरहुड बोल सकते हो आप इसको, पालमपुर का ये नेबरहुड है। सो भाई मैंने दिखाया ये अपना डोम है, और ये है प्राइवेट रूम इधर का। इसमें आपको ये अलमीरा दे रखी है, खोलते से ये अलमीरा है। और इधर है वॉशरूम, वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर आपको बाथ टब भी मिलेगा साथ में, और पॉट देख लो बिल्कुल अच्छा है, इधर से भी व्यू है। आखिर आपको इधर पर्दा लगाना पड़ेगा इधर वॉशरूम में आने के लिए। ये शीशा वगैरह है, वॉश बेसिन है, और इधर गर्म पानी भी आता साथ में। आपको लग्जरियस फील मिलेगी इस प्राइवेट रूम में, बाटी होम के बीर के अंदर, क्योंकि इसमें बाटी में आप देख सकते हो बाथ टब भी है। और क्या चाहिए यार, बाथ टब भी है ना, इससे अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। और चलो रूम दिखा देते हैं। ये रूम है भाई, देख लो ये बेड है, आपका डबल बेड मिल जाएगा, और बहुत अच्छा है। ये देखो गद्दा दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत सही है, गद्देदार साथ में ये, और टेबल कुर्सी। और सबसे अच्छी चीज़ जब आप यहाँ सोओगे और सुबह सुबह उठोगे, तो ये देखो उठने के बाद जो व्यू मिलेगा ना, डबल साइड विंडो है, बहुत अच्छा, सामने बिल्कुल आपको पूरी वैली दिखेगी A to Z, है नहीं अच्छा रूम। देखो सुबह उठते ही आपको ये वैली दिखने वाली है यहाँ से, मतलब इससे अच्छा चीज़ और क्या लोगे यार। इधर भी दिखा देता हूँ, ये देखो साथ में बालकनी भी है, आप इधर भी बैठ सकते हो। बाहर से दिखा दूँ, और नीचे कारपेट वगैरह अच्छा है, आप नंगे पैर अगर घूम सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है।
ये पूरा व्यू है, इधर से देख लो 16-17 रूम है इसमें, और डोरमेट्री है, प्लस आपका प्राइवेट रूम है, जौन सा आप चाहो वो ले सकते हो। कुंडी लगा देते हैं यहाँ की, लगा दी। सो भाई इससे अच्छी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी बीर के अंदर, बहुत प्यारी जगह है। और इधर देखो, इधर से ये सारे रूम है, ये अपना डोम है, इधर से आप ऊपर जा सकते हो। अब आपको ऊपर से मौसम दिखा के लगा कैसा है, मतलब जब हम आए थे ना भाई, कसम से मज़ा आ गया था देख के। सुबह सुबह आते हम सीधा ऊपर आए थे, और ऊपर आने के बाद एक अलग ही व्यू मिला था हमें। तो चलो ये खोलते हैं, ये देखो भाई, यहाँ से दिखेगा आपको पूरा बीर व्हीलिंग। ये देखो आ गया ना मज़ा देखकर भाई साहब, एक अलग ही जगह है कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ गया देख के। ये देखो आसपास की चीज़ें देखो, ओहो मज़ा ही आ गया भाई। मैं इतनी जगह घुमाऊँ लेकिन सच में यार बीर मेरे को पसंद आ गया यार, बहुत सही आ गया। आप मैं बताऊँ, बजट ट्रिप भी कर सकते हो इधर आके आप, क्योंकि इतना कोई कॉस्टली नहीं पड़ेगा आपको, बहुत सही जगह है ये भी। उधर दिखाता हूँ चलो, बहुत सही है भाई। और 400-500 किलोमीटर कुछ नहीं है यार, इतना तो आप लोग मनाली से भी आगे चले जाते हो, है ना। तो ये देखो, ये साथ वाले की प्रॉपर्टी है, ये शायद किसी का घर है। और ये देखो ना कितने वेल ऑर्गेनाइज कर रखा है, मतलब खेलने के लिए अलग से पार्क सा बना रखा है, और सब्जियाँ अलग बो रखी हैं। और दिन में जो खाना बना था ना भाई, लंच इन्होंने बनाया था, बहुत मतलब यार क्या टेस्टी लंच था। चावल थे और छोले थे, रायता था, बट मैंने चावल छोले लिए बस, बाकी मज़ा आ गया सुबह का लंच करके। ब्रेकफास्ट तो हमने बाहर किया था, तो चलो अभी चल रहे नीचे और आपको नीचे एक्सप्लोर कराते हैं, और सुनील भाई से आपको आज मिलाते हैं। देख लो कितना बड़ा कॉमन एरिया है, यहाँ बैठ के आप चिल आउट कर सकते हो आराम से। इधर भी रूम है, ये कॉमन वॉशरूम है, ये प्राइवेट रूम्स है, डोम है इधर। और ये देखो, मतलब इससे अच्छी चीज़ और क्या ही लोगे, इधर बैठ के आप चिल आउट कर सकते हो आराम से। ये किचन है, किचन भी दिखा देता हूँ आपको, ये इधर का किचन है, सेल्फ सर्विस है इधर, आप मतलब अपना खुद बना भी सकते हो। और ये भैया बैठे हैं हमारे, ये डाकू का खाना बना रहे हैं अभी सुनील भाई। इधर दिखाता हूँ सामने जो बालकनी है कॉमन रूम के पास, और ये रहा हमारा बाटी होम। डाकू आजा खाना खा ले, चल डाकू आजा। और इधर बैठ के आप अपना आराम से, हाँ बट एक चीज़ है, अंदर कहीं भी पूरे इस होटल में और हॉस्टल जो भी हमारा बाटी होम, ये इधर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, आप बाहर बालकनी में बैठ के स्मोकिंग कर सकते हो। और इधर से भी व्यू देखो कितना प्यारा है, मतलब अलग ही व्यू है इधर से भी। ये है रिसेप्शन एरिया यहाँ का, देख सकते हो बहुत प्यारी जगह है भाई। इधर क्रिकेट खेल सकते हो, आपके लिए विकेट वगैरह बैट वगैरह सब रखे हैं। एक उधर कॉमन वॉशरूम है, और इधर भी रूम है बट ये इनके स्टाफ वालों के। और ये पार्किंग है, आपको मैंने दिखाई अभी ऊपर से, जो ये यहीं पर पार्किंग है। तो भाई बहुत प्यारी है जगह, आपको मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आप यहाँ आओ, बहुत अच्छा। ये रहा 2 years ऑफ टुगेदर वी आर बाटी। बाटी का मीनिंग ये है कि हमारा फेसबुक पर ग्रुप है, बैकपैकर्स एंड ट्रेवलर्स इंडिया, और ये ग्रुप हमारा फेसबुक पे, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेवलर हो, आपको घूमना पसंद है, आप मुसाफिर हो, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पर बस आपको इतना सर्च करना है, BATI बाटी, बैकपैकर्स एंड ट्रेवलर्स इंडिया, तो आप इसको सर्च कर सकते हो फेसबुक पर और ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमारे साथ आ सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट मंथ यहाँ पर हमारा बाटी मीटअप है, एनिवर्सरी मीटअप, 6 साल हो गए इस ग्रुप को, और 6 साल में हमारे जो ग्रुप के मेम्बर हैं वो हैं 2,33,000। तो इस ग्रुप में आप आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो अगर आप ट्रेवलर्स हो। वाह क्या बात है। दिल से
दिल दीवाना लगता है। सो भाई ये रहा हमारा बाटी होम बीर का जो मैंने अभी बताया। बाटी होम को अगर आप कम्युनिटी हमारी जो है ट्रेवलर्स की वो आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और रूम के रेट मैंने आपको बता ही दिए। जो इधर का डोम है वो 300 रुपये से 350 रुपये के बीच मिलता है। और जो प्राइवेट रूम है जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, ये मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे पूरा आपको व्यू मिलेगा, इसका जो प्राइस है वो है 1000 से 1200 के बीच में। और यहाँ अगर आपको बुकिंग करनी है, अगर यहाँ आपको आना है, तो मैं यहाँ का नंबर, यहाँ की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। और अभी अपन यहाँ पर है और इधर आपको कौन मिलेगा, इधर आपको अंकित भाई मिलेंगे, ये रे हेलो, ये अंकित भाई है और बहुत बढ़िया है, इनके साथ रहकर मज़ा आ गया। और अभी तो शायद हम आज है, कल का देखो कहाँ प्लान होता है। तो ये है हमारा बाटी होम और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। और हाँ, अब मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। और हाँ, घूमते रहा करो।